का पहला दिन और पावन दरबार मां वैष्णो देवी के स्थान पर हैं और आपको बता दें कि पुष्प आप देख सकते हैं, पुष्प के साथ किस तरह से दरबार को सजाया गया है और बेहद मंत्रमुग्ध करने वाले जो है वो दृश्य हैं। और इस वक्त मां के उस स्थान से और कुछ ही दूरी पर मां वैष्णो देवी का वो स्थान है और यहाँ पर इजाजत तो इससे आगे की नहीं होती है, आप सब जानते हैं, मगर यहाँ पर आपको बता दें कि व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं और देश विदेश से सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं माँ के पावन दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहां पर तांता लगा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं कि मां वैष्णो देवी के जो है वो दर्शन हो। और आज पावन नवरात्रा है और पावन नवरात्रा के दिन आप देखिए कि बेहद जो संख्या में श्रद्धालु यहां पर जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग और देश विदेश के लोग जो हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? श्रृंगेरी, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। कितनी देर बाद आप लौटे हैं माँ के दरबार? हिंदी मालूम नहीं है, हिंदी मालूम नहीं, इंग्लिश। यू नो हाउ मेनी डेज आर लॉन्ग इन जम्मू एंड कश्मीर? कम लास्ट 10 days वी आर हियर, जम्मू एंड कश्मीर, नाइस प्लेस। यू सी हाउ मेनी चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड माता वैष्णो देवी? Vaishno Devi just going to visit. So far you are not visit to the temple, but place is very nice. Very nice. Very nice. It is a lovely place and a peaceful place, and everyone has to visit this place to see Jammu and Kashmir. थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि कर्नाटका से यहाँ पहुँचे हैं और भी परिवार इनका यहाँ पर मौजूद है। मैम, क्या मैसेज आप देना? मैसेज, वी आर ऑल इंडियंस. We have to keep peace. We have to love our country. That much only. क्या मनोकामनाएं मांगेंगे पावन नवरात्रे? नवरात्रि for Hindus it is very special occasion. Vaishno Devi is very beautiful place. God's. Good vibes. Yeah. We can't explain. We have from Karnataka, unbelievable. Place this is, we can't see this type of place there. तो आपने देखा कि पूरा परिवार यहाँ पर है। एक और महिला है। मैम, मैं कन्नड़ में बात करती हूँ। कर्नाटक में। आप कर्नाटक में बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा आपको? ओ, तुम्बा चेन्नागिदे, बंदिद्दु नमगे अदृष्ट अन्सुत्ते। इल्लेल्ल प्लेस चेन्नागिदे, जम्मू काश्मीर, जम्मू अंतु तुम्बा क्लीन इदे, चेन्नागिदे, लवली प्लेस। जय माता। पावन नवरात्र के पहले दिन जो है इस समय जो है मिनिस्टर इस समय मौजूद हैं, कमल पटेल जी हैं। कमल पटेल जी, माँ वैष्णो देवी के पहले पावन नवरात्र पर आप दर्शन करने पहुंचे हैं, कितना उत्सुक हो रहा है? मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि माँ के दर्शन हो रहे हैं। और मैं जहाँ से आया हूँ, नर्मदा जी का नाभि स्थल है, सेंटर, और माँ नर्मदा का चरण स्पर्श करके माँ के चरणों में आए हैं, श्रद्धा के भाव लेकर के माँ का आशीर्वाद रहे ताकि देश में सुख समृद्धि खुशहाली हो और भारत शक्तिशाली समृद्धशाली वैभवशाली बनकर विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। कितने समय बाद ये लौटे हैं आप माँ वैष्णो देवी के स्थान? 5 साल के बाद। कितना बदलाव देखते हैं? माँ 5 साल परिवर्तन है। अभी तो आज तो आनंद आ गया, हृदय कमल की तरह खिल गया, तबीयत खुश देख के। हम मनोज सिन्हा जी को बधाई देते हैं, जो हमारे इसके चेयरमैन भी हैं, राज्यपाल महोदय हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, तबीयत खुश कर दी। उसके बाद नवरात्रों का दिन देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। एक देश श्रेष्ठ देश, और दुनिया में हम नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, और मोदी जी के साथ पूरा देश है। आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या मनोकामनाएं आप मांगेंगे देश की सुख समृद्धि? विधानसभा के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं स्वयं उम्मीदवार हूँ 7वीं बार, और माँ के आशीर्वाद से जब मैं पहली बार आया था 92 में, जब श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा बंदन करना था, तो मोदी जी हमारे नियंत्रक थे, मुरली मनोहर जोशी हमारे अध्यक्ष थे। मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था उस समय, और तब आए थे तो हमको वहीं रोक लिया गया। जम्मू से सीधे दर्शन करने आए और तब माँ से कहा था माँ विधायक बना देना, और एक साल के अंदर माँ ने विधायक बना दिया। फिर तो एक साल बाद वापस आए माँ का धन्यवाद करने, और उसके बाद में माँ ने मंत्री बनाया। तीसरी बार मंत्री हूँ मैं, पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा, फिर राजस्व मंत्री रहा, अभी कृषि मंत्री हूँ मध्य प्रदेश में। कृषि मंत्री हैं इस समय, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में आप कितना बदलाव? जम्मू कश्मीर में शांति आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, और उसके कारण यहाँ शांति है, लोग खुश हैं, और पूरा जो आतंकवादी हैं वो भी अब छोड़ के मुख्य धारा में आ रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, और सब सुखी रहे। हमारा धर्म कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो, और विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व के कल्याण की बात करने वाली हमारी संस्कृति है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि भारी उत्साह है, और पटेल साहब इस समय यहाँ पर मौजूद थे, और भारी उत्साह जो है इस समय भक्तजनों में देखने को मिल रहा है। और नवरात्रों का पावन दिन है, नवरात्रों के पावन दिन पर जो है भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे हैं। भाई साहब, कैसा उत्साह देख रहे हैं पावन नवरात्रों के? देखिए, बिल्कुल उत्साह वाली बात है। नवरात्रे हैं, माता रानी के उत्साह क्यों नहीं होगा। हम यहाँ दर्शन करने आए, माता के दरबार में आए हैं, सब कुछ उत्साह में यहीं से मिला है, यहीं से मिलना है, तो ऑफकोर्स उत्साह है हमारे अंदर। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से, हाँ जी। कितने समय बाद लौटे हैं यहाँ? मैं आया हूँ सर 4 साल में। 4 साल। कितना बदलाव देखते हैं? बदलाव काफ़ी है सर, डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि एंट्री और एग्जिट भी अलग हुआ है जो हमारी राष्ट्रपति जी ने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी सुधर रही हैं यहाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन तमाम भक्तों को जो देश विदेश से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि चाहे कोई देश से है, विदेश से है, भारत की नीति रही है कि सबका भला हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। हमारा जो सनातन धर्म है वो भी यही कहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, तो हम यही कहेंगे कि माता रानी सबकी मुरादें पूरी करे और पूरे विश्व का कल्याण करे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ मां वैष्णो देवी स्थान से, गुलिस्तान न्यूज से।